दोस्तों, कलर्स टीवी पर न जाने आज तक कितने ही सीरियल्स टेलीकास्ट हो चुके हैं, पर उन सीरियल्स में कुछ सीरियल्स ऐसे हैं जो भले ही आज कलर्स पर प्रसारित ना होते हों, मगर उन सीरियल्स में काम करने वाले चाइल्ड आर्टिस्ट को आज भी उनकी अदाकारी और मासूमियत की वजह से दर्शक खूब याद करते हैं, जिन्होंने अपने एक्टिंग और भोले भाले चेहरे के जरिए अपने किरदारों को बड़ी ही बारीकी से छोटे पर्दे पर दर्शकों के सामने पेश किया, जिससे ये आज भी दर्शकों के फेवरेट बने हैं। लेकिन आपको बता दें कि आप सभी के फेवरेट कलर्स के वो चाइल्ड आर्टिस्ट समय के साथ काफी बड़े हो गए हैं और काफी बदल भी गए हैं, जिन्हें अगर आप दूर से देखेंगे तो बिल्कुल पहचान नहीं पाएंगे। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको कलर्स टीवी पर काम कर चुके 5 चाइल्ड आर्टिस्ट के बदले हुए रूप से रूबरू करवाएंगे, जिन्हें देखकर आप भी पहचान नहीं पाएंगे। तो आइए देखते हैं कौन से हैं वो चाइल्ड आर्टिस्ट। नंबर 1, तहसीन शाह। दोस्तों, आपको सीरियल उड़ान में पहाड़ी चेहरे वाली छोटी बाल कलाकार तहसीन शाह तो याद ही होगी, जिनकी मुस्कान से ये सीरियल चमक उठा था। वहीं शो में इनकी मासूमियत और इनकी प्यारी एक्टिंग दर्शकों को खूब पसंद आई। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, बीते सालों में ये बाल कलाकार पूरी तरह से बदल गई हैं। इस सीरियल में छोटी और क्यूट दिखने वाली ये चाइल्ड आर्टिस्ट 14 साल की हो गई हैं। वहीं इनकी पिक्चर्स को देखकर आप इनकी क्यूटनेस और खूबसूरती का अंदाजा भी लगा सकते हैं, जहां इनके मासूम से चेहरे से नजर हटा पाना मुश्किल है। वहीं जहां अपने शो में ये स्कर्ट चोली पहनकर घूमती थी, वहीं आज जीन्स टॉप, शॉर्ट ड्रेसेस और रंग बिरंगे कपड़े पहनकर काफी कूल लगती हैं। लेकिन हाँ, समय के साथ इनके बालों में कोई बदलाव नहीं आया। जहां सीरियल में ये लंबे बालों के साथ नजर आती थी, वहीं असल जिंदगी में भी एक लंबी छोटी और खुले बाल रखना पसंद करती हैं। पर अब स्टाइल और फैशन के मामले में इनका कोई जवाब नहीं। वहीं ये फिलहाल सीरियल मैडम सर में अनाया के किरदार में दिख रही हैं, जिसके जरिए ये हमेशा ही अपने ऑडियंस को एंटरटेन करती रहती हैं। नंबर 2, जन्नत जुबैर रहमानी। फुलवा टीवी सीरियल से टीवी जगत में कदम रखने वाली एक्टर जन्नत जुबैर रहमानी ने अपने देसी लुक और देसी लैंग्वेज से लोगों के दिलों में अपनी अच्छी खासी जगह बना ली, इसलिए जन्नत को इसी देसी लुक में देखने के लिए लोग बेताब हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, बीते सालों में ये काफी बदल गई हैं। ये पूरे 19 साल की उम्र में काफी मैच्योर नजर आती हैं और ये अब ये शो के मुकाबले बेहद ग्लैमरस भी दिखती हैं। साथ ही साथ अब ये काफी स्टाइलिश हो गई हैं और अपनी खूबसूरती को हाईलाइट करने के लिए काफी महंगे और लग्जूरियस आउटफिट पहनती हैं। आपको बता दें, इन्होंने आज भी अपना एक्टिंग करियर जारी रखा है, पर अब ये टीवी शोज के साथ साथ एल्बम सॉन्ग्स में भी काम कर रही हैं। नंबर 3, अविनाश मुखर्जी। सीरियल बालिका वधू में छोटे जग्या का किरदार निभाने वाले एक्टर अविनाश मुखर्जी के मनचले और डिसेंट एक्टिंग को कोई भूल नहीं पाया, जहां आज भी ये छोटे बिंदियानी के जग्या के नाम से ही टीवी इंडस्ट्री में मशहूर हैं। बीते सालों में ये काफी बदल चुके हैं और अब 24 साल के हो गए हैं, जहां ये सीरियल में हमेशा राजस्थानी आउटफिट या फिर कुर्ता पजामा पहने हुए नजर आते थे। वहीं आज ये काफी स्टाइलिश कपड़े पहनते हैं, जिसमें इनका हैंडसम लुक देखते ही बनता है। वहीं ये बीते सालों में काफी हैंडसम और गुड लुकिंग हो गए हैं, जिसका सबूत है इनकी ये लाजवाब पिक्चर्स, जिन्हें देखकर आप समझ सकते हैं कि इनके लुक में सीरियल से लेकर रियल लाइफ में कितना बदलाव आया है। वहीं आपको बता दें, इन्होंने अभी भी अपना करियर बरकरार रखा है, जहां ये कलर्स के शो ससुराल सिमर का में आरव ओसवाल का इंटरेस्टिंग कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। नंबर 4, अविका गौर। दोस्तों, आपको सीरियल बालिका वधू की आनंदी तो याद होगी, जिसे बड़ी खूबसूरती से चाइल्ड कलाकार अविका गौर ने छोटे पर्दे पर उतारा। तभी तो भले ही ये कितना ही फिल्मों में नजर आ चुकी हो, पर अभी भी दर्शक इन्हें वही आनंदी समझते हैं जो सीरियल में बालिका वधू बनी थी। लेकिन आपको बता दें, बीते सालों में ये बहुत बदल गई हैं। आज ये पूरे 23 साल की हो गई हैं, जहां ये सीरियल में घाघरा चोली और सिर पर दुपट्टा डाले नजर आती थी, वहीं आज भी ये काफी स्टाइलिश और शॉर्ट ड्रेसेस पहनती हैं, जिनमें ये बला की खूबसूरत लगती हैं। हालांकि इनका हेयर स्टाइल काफी इंटरेस्टिंग हो गया है, जो इनकी खूबसूरती में 4 चांद लगाता है। बात करें बीते सालों में, ये काफी हसीन और बोल्ड हो गई हैं। आपको बता दें, इन्होंने अभी भी अपना एक्टिंग करियर जारी रखा है, पर ये अब सीरियल में नहीं बल्कि साउथ की फिल्मों में दिखती हैं। नंबर 5, स्पर्श कंचन दानी। दोस्तों, आपको उत्तरण की इच्छा तो याद होगी, जो अपने टेढ़े मेढ़े दांत और दो चोटी से दर्शकों को खूब प्रेम की घुट्टी पिलाया करती थी। वहीं इच्छा का किरदार निभाने वाली बाल कलाकार स्पर्श कंचन दानी, जिन्हें दर्शक आज भी इनके भोले भाले किरदार के लिए याद करते हैं, बीते सालों में ये बहुत बदल गई हैं। आज 20 साल की हो गई हैं,
जहां ये सीरियल में हमेशा दो चोटी करके सिंपल से आउटफिट में दिखती थी, वहीं अब डिफरेंट टाइप के ड्रेसेस पहनती हैं, जिसमें इनका लुक काफी गॉर्जियस लगता है। लेकिन अब इनका हेयर स्टाइल पहले के मुकाबले काफी बदल गया है, वहीं दिन प्रतिदिन इनकी खूबसूरती बढ़ती जा रही है। बताते चलें, ये अभी एक्टिंग की दुनिया से दूर हैं, क्योंकि इन्हें अपने हायर स्टडीज के लिए बहुत सारी प्रिपरेशन करनी है। तो दोस्तों, आप इनमें से किस चाइल्ड एक्ट्रेस का बदला हुआ रूप देखकर उन्हें पहचान नहीं पाए, आप हमें उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी मजेदार वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।